नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभास मौजूद हैं और हम दोनों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का मन इस खास सियासी चर्चा में, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हम आते रहते हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, आपको एक चीज़ बता दें, बगल में कमेंट बॉक्स है जो कि खुला हुआ है। आप लगातार हमारी बातचीत के किसी भी हिस्से से सहमत हों या असहमत हों, अपनी राय उस पर ज़रूर लिखिए। और इस बीच में मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है, वो भी बताइए, ताकि हम अपनी चर्चा में उसको शामिल कर सकें, आपकी राय को भी आपके नाम के साथ हम उसका जिक्र कर सकें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए, आपको लगता है कि बाकी कहीं चर्चा नहीं हो रही, हम आपकी राय से सहमत होकर उन विषयों पर आंकड़ों के साथ आएंगे और खूब चर्चा करेंगे। तो विभास मेरे साथ मौजूद हैं, हमने दर्शकों को उनका काम बता दिया, अपने काम की शुरुआत करते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में एकदम से जो सियासी पारा है वो गर्माने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उस सवाल के रूप में आपके सामने रख देता हूँ। जानकारी के मुताबिक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से मध्य प्रदेश में फोकस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द या एक कम अंतराल के भीतर उनके 3 कार्यक्रम तय करने का भाजपा संगठन ने एक खाका तैयार किया है। अभी कुछ हिस्से की प्लानिंग होनी बाकी है, कुछ कार्यक्रम को अंतिम रूप देना बाकी है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री एक नियमित अंतराल पर वो मध्य प्रदेश आएंगे। 3 कार्यक्रम हैं जिनकी जानकारी मिल रही है और उनके बीच का अंतराल काफ़ी कम होगा, यानी कि मध्य प्रदेश की चुनावी गर्मी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाएंगे। और जो कार्यक्रम हैं उसके मतलब क्या निकाले जाएं, उससे किस वर्ग को, किन चीज़ों को वो कनेक्ट करने की कोशिश है, अगर आप ये चीज़ भी बता पाएं तो बेहतर। जी देखिए, अभी मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री का भोपाल में दौरा प्रस्तावित था, रोड शो उनका प्रस्तावित था, लेकिन वो बारिश, खराब मौसम की वजह से वो रद्द हो गया था। तो अभी 12 अगस्त के आसपास का उनका जो है वो योजना जो अभी है आने की उनकी, और ये इसका अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होना अभी ये बाकी है। इसी के साथ में कहा जा रहा है कि जब वो आएंगे तो भोपाल में उनका रोड शो इस बार हो सकता है, मध्य प्रदेश जब वो दौरे पर आएंगे 12 अगस्त को। और इसके अलावा सागर में जो है वो रविदास धाम जो है वहाँ पर एक है, संत रविदास जी के लेके एक पूरा एक धाम वहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर भाजपा की जो है वो भाजपा अभी 5 जो है वो सामाजिक समरसता के उससे 5 यात्राएं अलग अलग निकाल रही हैं, वो यात्राओं का वहाँ पर जो है वो समापन होना है, तो प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। इसके अलावा जो नया जो ये हुआ है कि जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो ओंकारेश्वर भी जा सकते हैं। तो ओंकारेश्वर जो है ये खंडवा और इंदौर के पास में ये पड़ता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है यहाँ पर। और जो दिलचस्प तौर से मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में जो मंदिर कॉरिडोर और तमाम जो योजनाएं चली हैं अभी, उनमें सबसे ज़्यादा जिक्र पिछले दिनों जो हुआ था वो महाकाल कॉरिडोर को हुआ था। अब महाकाल कॉरिडोर का जो बजट है वो 1100-1100 करोड़ के आसपास है, लेकिन ओंकारेश्वर में उससे बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है और वहाँ पर जो है 2200 करोड़ रुपये जो है वो शिवराज सिंह सरकार खर्च करने की उनकी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की वहाँ पर। तो उस लिहाज से जो है वो ओंकारेश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले वर्षों में जो है वो होगा तीर्थाटन की दृष्टि से, और शंकराचार्य जी की वहाँ पर एक जो है वो प्रतिमा भी वहाँ पर बनाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री का वहाँ पर पहुँचने का एक कार्यक्रम है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अभी पिछले कुछ जो दौरे हुए थे उसमें ये देखा गया कि जो बड़े शहर हैं उनसे हट के ऐसी जगहों पर जाया जाए जहाँ पर जो है वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जहाँ पर जो है वो दलित या आदिवासी बेल्ट जो है उनको टारगेट किया गया। इस बार जो है ये जाने वाले हैं, अगर ओंकारेश्वर जाते हैं और भोपाल जाते हैं तो भोपाल जो है वो शहरी इलाका हो गया, राजधानी है मध्य प्रदेश की, और ओंकारेश्वर अगर जाएंगे तो एक वहाँ का एक बहुत ही जो है मैं कहूँगा कि महाकाल के बाद में दूसरा जो है बड़ा जो है वो तीर्थस्थल है मध्य प्रदेश का। तो उस लिहाज से जो है ये प्रधानमंत्री का अगर वहाँ पर दौरा होता है तो वो महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ में अमित शाह का भी जो है दौरा जबलपुर में ही अगस्त में जो है प्रस्तावित है। और दिलचस्प एक और इसमें पहलू मैं बता दूँ कि राहुल गांधी आने पहले जाने वाले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश आने वाले थे, उनका दौरा रद्द हुआ। राहुल गांधी फिर आने वाले थे शहडोल में, उनका भी दौरा रद्द हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मोदी सरनेम को लेके जो मामला चल रहा है उसमें सुनवाई है उनकी उसमें। और अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले थे, 2 दिन अलग अलग शहरों में जाने वाले थे, वो भी दौरा रद्द हो गया। तो विपक्षी जो दलों के नेता हैं, 3 बड़े चेहरे, उनके दौरे रद्द हुए हैं। और प्रधानमंत्री का जो है 12 अगस्त को जो मध्य प्रदेश का दौरा होना, उसमें माना जा रहा है कि वो एक साथ जो है वो 3 शहरों को वहाँ पर जो है वो टारगेट करेंगे।
तीन कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के करेंगे, आपने बता दिया कि उसमें एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि भाई किस तरीके से वो जो पिछड़ा समाज है या जो दलित आदिवासी जो समाज है वो उस एरिया पर जाएंगे जहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है अब तक जो गए हैं, और अब हो सकता है कि अगर ये तीनों कार्यक्रम फाइनल हो जाते हैं तो उनको शहरी वापस एक बार एक शहरी कार्यक्रम उनका दिखाई दे सकता है या शहर में उनका एक कार्यक्रम दिखाई दे सकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश के दौरों को और अब जो तीन कार्यक्रम आपने बताए हैं उसको एक दूसरे तरीके से देखता हूं। मुझे इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहला जननायकों पर फोकस है और दूसरा संस्कृति और धर्म पर फोकस है। चाहे हम शहडोल के कार्यक्रम की बात करें या भोपाल में जब वंदे भारत ट्रेन वाली कार्यक्रम था तब भी उन्होंने रानी कमलापति का जिक्र किया था, उस नामकरण बदलाव का जिक्र किया था। इसके बाद चाहे हम झांसी की बात कर लें, भले ही वो मध्य प्रदेश के पास का इलाका है लेकिन वो उसका भी जिक्र करते हैं कि कैसे हमने फिर वहाँ पर उसका भी नाम बदला, स्टेशन का नाम बदला वहाँ पर। तो जननायकों पर फोकस, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस बार भी जब वो सागर पर जाएंगे तो वो कार्यक्रम है कि भाई वहाँ पर संत रविदास के जो कार्यक्रम है, धाम जो बना है वहाँ पर वो हिस्सा लेंगे, और इसके साथ साथ संस्कृति पर फोकस, महाकाल लोक का वो अक्सर जिक्र करते हैं जब वो बात करते हैं, और अब ओंकारेश्वर जैसा आपने बताया। क्या ये खास रणनीति है भाजपा की कि राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुद्दों को, चाहे वो युवा हैं चाहे वो महिलाएं हैं, अपनी योजनाओं से सरकार के कार्यक्रम से वो रिझाते रहेंगे, वो उनके बीच में जाते रहेंगे, लेकिन जो केंद्र का मैसेजिंग होगी, जो केंद्र सरकार आएगी वो एक और ज़्यादा बड़े वर्ग को टारगेट करेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा है, जो जननायक और धर्म इस दो बड़े फैक्टर के साथ एक ज़्यादा बड़े प्रभुत्व को या ज़्यादा बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में अभी स्थितियाँ जो है वो राजस्थान के मुकाबले अलग है। मध्य प्रदेश में भाजपा यहाँ पर सत्ता में है, तो जब सत्ता में है तो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मंदिरों को लेकर हो या फिर जो महिलाओं के उद्देश्य से हो, तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये तमाम योजनाएं हैं, और जो है ये अलग अलग कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं वो हैं। तो अब जो है वो जब भाजपा यहाँ पर कैंपेन कर रही है तो भाजपा का पूरा फोकस इस पर है कि क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो पहला तो जो हो गया कि जो विकास कार्य वहाँ पर हो रहे हैं उनको प्रोजेक्ट करने की और उनको जो है भुनाने की कोशिश है एक तरह से, और दूसरा जो मामला है वो है कि अलग अलग वर्ग और अलग अलग जो अंचल वहाँ पर हैं उनको साधने की कोशिश है, कि यात्राएं अलग अलग जो है वो निकाली जा रही हैं। अब जो यात्राएं अभी दोबारा से भी शुरू होनी है, जो विजय यात्राएं जिनको विजय संकल्प जो कहा जा रहा है, तो उसमें जो है वो भी बड़े शहरों से कहीं से शुरू नहीं हो रही है, वो सब छोटे शहरों से शुरू की जा रही हैं, जैसे शहडोल है, सागर है, इन जो है वो नीमच हो गया, यहाँ पर इनको टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर आपका जो है वो एक छोटे शहरों या कस्बाई जो वोटर है आपका वहाँ पर वो, और प्लस जो है वो जो एससी एसटी वर्ग है या फिर जो आदिवासी वर्ग है, इनकी बड़ी जो वहाँ पर तादाद है मध्य प्रदेश में, इनको साधने की वहाँ पर कोशिश हो रही है। तो भाजपा जो है इस तरह से वहाँ पर चल रही है कि क्षेत्र भी साधने की कोशिश में है और एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश में है, और इसके अलावा जो है वो तीर्थस्थल हो गए या फिर जो आपने बताया कि जो बड़े वहाँ के प्रतीक हो गए, सांस्कृतिक जो धरोहर हैं वो हो गई, उनको साधने की वहाँ पर कोशिश है। इस बीच में एक शख्स हैं भाजपा के लिए, अगर चेहरों की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके तेवर बड़े अलग लगते हैं जब वो प्रचार करने आते हैं, वो सीधा हमला करते हैं, जो उनको सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा दिखता है वो उसकी बात करते हैं, अपनी सरकार की तो लकीर बड़ी करते ही करते हैं, खुलकर वार करते हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बखूबी निशाना साधा। दो सवाल अलग अलग हैं और चाहे तो उसके जवाब आप अलग अलग दे सकते हैं। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि अमित शाह जबलपुर आने वाले हैं, जबलपुर से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन की शुरुआत की थी, अब तक प्रियंका गांधी को सीधे तौर पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, जो अपनी जिम्मेदारियों के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मीडिया से बात कर चुके हैं, प्रियंका गांधी के कैंपेन को सीधा हिट नहीं किया था किसी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भाजपा के। शिवराज सिंह चौहान जरूर जवाब दे रहे थे, वो लिस्ट का जवाब लिस्ट से दे रहे थे, उन्होंने बात किया था कि भाई ये लोग जो वादे कर रहे हैं ये उतने भी पूरे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जिस तरीके से प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, तो शिवराज ने ये भी कहा कि अगर ये गलती से सरकार में आ गए तो ना किसान वाले वादे पूरे कर पाए जो वो उस अवधि का जिक्र करते हैं जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और तमाम जो योजनाओं में जो सहायता राशि दी जाती थी उसको कम करने का भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन अमित शाह का जो स्टाइल ऑफ स्पीच है या जो स्टाइल ऑफ प्रचार है, जो प्रचार करने का तरीका है, क्या आप उसमें देखते हैं
क्या हुआ पहले तो वो स्पष्ट कर दें और फिर हम जबलपुर वाले कार्यक्रम की एक अलग सवाल में बात कर सकते हैं। कल जो है अमित शाह इंदौर में थे। इंदौर जो है वो मालवा का सबसे बड़ा गढ़ है। इंदौर जिले में ही अपने आप में जो है वो 9 विधानसभा सीटें आती है और माना जाता है कि वहाँ पर अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो मालवा और निमाड़ आप दोनों को साथ लेते हैं, एक तरह से आधा मालवा निमाड़ आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से इंदौर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था है और उसमें जो है वो कल इसी शहर में जो है अमित शाह यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने जो है करीब करीब 28 मिनट का वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और कई सारे मुद्दों को उन्होंने टच किया वहाँ पर। अब उन्होंने जो दो जो है नाम जो उन्होंने लिए वो दो नाम कहे विशेषण लगा के, उन्होंने कहा कि एक जो है वो करप्शन नाथ और दूसरा बंटाडा। तो करप्शन नाथ से उनका इशारा था कमलनाथ की तरफ। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने 18 महीने जो इनकी सरकार रही 1.5 साल मध्य प्रदेश में, उसमें कोई नया उद्योग ये लाए नहीं और इन्होंने जो है ट्रांसफर इंडस्ट्री को ज़रूर इन्होंने बढ़ावा दिया, ये उनका आरोप था कमलनाथ पे। ये भी उन्होंने कहा बड़ा एक जो है वो आरोप लगाया कि 18 महीने में 18,000 जो है वो सरकारी अफसरों कर्मचारियों की तबादले पोस्टिंग हुई और उसमें जो है उन्होंने कहा कि इसमें जो है कमीशन लिए गए और गड़बड़ियाँ हुई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा जो बंटाडार का उन्होंने जिक्र किया तो वो उनका जो है वो इशारा था दिग्विजय सिंह की तरफ। तो ये जो शब्द है ये जब 10 साल लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उसके बाद में जब उमा भारती को भाजपा ने प्रोजेक्ट किया सीएम कैंडिडेट के तौर पे 2003 के चुनाव में, तो उस समय जो है वो इस शब्द को उमा भारती ने जम के वहाँ पर बुनाया था, दिग्विजय सिंह के लिए ये इस्तेमाल होता था और तब जो सड़कों की और बिजली की जो हालत थी वहाँ पर मध्य प्रदेश में उसको लेकर जिक्र होता था। तो इस तरह से दो उन्होंने ये तंज जो है पर अमित शाह ने वहाँ पर कसे। इसके अलावा उन्होंने जैसे राष्ट्रीय जो है मुद्दे उनका भी जिक्र किया, जैसे राम मंदिर का उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि जो है कांग्रेस नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो है इससे जुड़ा जो है विकास कार्य वहाँ पर हो, राम मंदिर निर्माण का जो है मामला उसको कांग्रेस डिले करना चाहती थी। एक और जिक्र उन्होंने किया कि जो है कश्मीर में जो धारा जो अनुच्छेद 370 था तो कांग्रेस जो है उसको 70 साल जो है उसको रखे रही उस मुद्दे को और हमने आके फिर उस पर आगे आके कार्रवाई की। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आपने बताया कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, अमित शाह के तेवर जो मैं कह रहा था कि काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। आपने जिक्र कर दिया हल्का सा कि अमित शाह का अगला जो कार्यक्रम है वो जबलपुर में होना है, वो प्रस्तावित है। जबलपुर वो जगह जहाँ से कांग्रेस ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी, पहला प्रचार था और वहाँ पर कांग्रेस एक जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व कहें और उस कार्यक्रम को देखकर तो कहा जा सकता है कि हार्ड हिंदुत्व जैसी लाइन थी कि वो नर्मदा मैया की विजय हो रही थी, बजरंग बली भी दिख रहे थे और खूब वहाँ पर गदा के प्रतिरूप लगाए गए थे और खुलकर जयकार में पूजा में इन तस्वीरों को दिखाने में कांग्रेस को कोई हिचक नहीं थी। अमित शाह जब जबलपुर जाएंगे तो क्या उनके फोकस पर कांग्रेस का वो प्रचार रहेगा? आपका आकलन क्या है? क्योंकि वो जिन जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ के मुद्दों को और वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को वो ज़रूर कवर करते हैं, ज़रूर टच करते हैं और वहाँ कुछ क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ हुआ है वो उसका जिक्र करते हैं। तो जबलपुर को कांग्रेस ने बड़ा केंद्र बना लिया था कि उनकी जो प्रचार की शुरुआत है उसमें धर्म का फैक्टर दिखे, क्या अमित शाह उसका काउंटर और पहली बार क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रियंका गांधी के किसी भी तरीके के प्रचार का काउंटर दिखाई दे सकता है? देखिए, आपने जैसा कि जिक्र किया जून की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने वहाँ पर दौरा किया था और बजरंग बली जो है वो वहाँ पर जो है प्रमुखता से नज़र आए थे। वहाँ पोस्टरों में एक गदा घूमती हुई नज़र आई थी, एक जो है उन्होंने जब वहाँ पर पूजा अर्चना की प्रियंका गांधी ने तब भी एक व्यक्ति को जो है उसी लिबास में वेशभूषा में वहाँ पर रखा गया था। और इसी बजरंग बली के मुद्दे पर जो है भाजपा ने कर्नाटक में भाजपा ने मुद्दा उठाया था बजरंग दल से जोड़कर और फिर लेकिन वो मुद्दा वहाँ पर सफल नहीं हुआ, कांग्रेस वहाँ पर जीत गई थी। तो वो ताज़ा मामला था। तो उस समय जो है वो प्रियंका गांधी की वहाँ पर पहली जो है वो रैली थी और माना गया कि वहीं से उन्होंने चुनावी प्रचार शुरू किया। तो इस लिहाज से जबलपुर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, महाकौशल का ये पूरा बेल्ट कहलाता है और इसमें काफ़ी सारा जो है विधानसभा सीटें यहाँ से हैं। और इसमें जो है जैसा कि आपने शुरुआत में भी इस डिबेट के जिक्र किया था कि संत रविदास का आपने नाम लिया, रानी कमलापति का नाम किया, तो अगेन फिर ये जो महाकौशल का पूरा एरिया है यहाँ पर रानी दुर्गावती का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है यहाँ पर। तो ये एक तरह से महाकौशल का इलाका रानी दुर्गावती का जो है वो अभी जो पिछले महीने ही उनका जो है बलिदान दिवस वहाँ पर था, शौर्य दिवस उसको कहा जाता है, तो वो था। और जो है इस तरह से जो है वो महाकौशल का इम्पोर्टेंस वहाँ पर बहुत है। अब जब अमित शाह वहाँ पर जाएंगे तो माना जा रहा है कि वो इन्हीं सारे मुद्दों का वहाँ पर जो है वो जिक्र करेंगे यहाँ पर। और ये लगातार दौरा जो है उनका भोपाल में तो हो ही रहा है, हर 15 दिन में उनका दौरा वहाँ पर वो कर रहे हैं और अभी तो
जो है उन्होंने लगातार 3 दिन में शायद 2 दौरे वहाँ पर किए हैं और संगठन की तैयारियों का वहाँ पर वो जायज़ा ले रहे हैं लगातार वहाँ पर। और इसके बाद में जो है उनका जबलपुर में जो है वो दौरा जो है उनका वहाँ पर प्रस्तावित है। उसके बाद में हो सकता है कि वो जो सिंधिया का गढ़ कहलाता है जहाँ पर पिछली बार जो है भाजपा कमज़ोर भी रही थी, ग्वालियर भी जा सकते हैं अमित शाह, ऐसा माना जा रहा है। अभी कार्यक्रम तय नहीं है लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा और तब तक और कौन से मुद्दे जो है वो सामने आते हैं। अगर अमित शाह ग्वालियर जाते हैं तो तब तो खबर कुछ इस तरीके से बन सकती है कि पहले जबलपुर जहां प्रियंका गांधी ने पहली रैली की और फिर ग्वालियर जहां प्रियंका गांधी ने अपनी दूसरी रैली की। अमित शाह उन दोनों इलाकों में जहां कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अब तक केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो ज़मीन पर उतरा है उसके काउंटर करने उन दोनों जगहों पर जा सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर वो जबलपुर और ग्वालियर दोनों कार्यक्रम कन्फर्म होते हैं तो उनके निशाने पर प्रियंका गांधी के चुनावी वायदे भी होंगे या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो उनकी स्टाइल रही है प्रियंका गांधी भी होंगी? और इस सबके बीच में एक छोटी सी बात जो आपके बोलते बोलते मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा वो जानकारी के लिए बोलना ज़रूरी है कि जब हम इतने जननायकों की बात कर रहे हैं तो इस क्रम में इंदौर में अहिल्याबाई का भी एक नाम आ जाता है और जब अगर प्रधानमंत्री का वो दौरा कन्फर्म होता है जब ओंकारेश्वर की बात आती है तो एक और जननायक है जिनको जिनसे जुड़े कार्यक्रम को भाजपा करती दिखाई दे सकती है। खैर दोबारा उस पर आते हैं कि अगर अमित शाह का ग्वालियर दौरा कन्फर्म होता है जबलपुर और ग्वालियर प्रियंका गांधी बैक टू बैक इन दोनों जगहों पर अपने कार्यक्रम की थी अपने दौरे की थी और अमित शाह भी अगर इन दोनों को टैकल करते हैं तो क्या ये प्रियंका गांधी के किए गए प्रचार को डाइल्यूट करने या वहाँ पर उसके बाद से जो एक वैक्यूम बना है भाजपा के काउंटर का उसको देने के लिए ये दौरे इस तरीके से प्लान किए जा रहे हैं तैयार किए जा रहे हैं? देखिए आपने देवी अहिल्याबाई का जिक्र किया, इंदौर की जो है वो वहाँ पे उन्होंने शासन किया था और जिस ओंकारेश्वर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं ओंकारेश्वर से नज़दीक जो है महेश्वर है, महेश्वर लंबे समय जो है होलकरों की वहाँ पर राजधानी रही थी। खैर तो जब आपने जिक्र किया कि प्रियंका गांधी गई जबलपुर तो वहाँ पर अमित शाह जा रहे हैं, वो फिर बाद में गई ग्वालियर जहाँ पर हो सकता है कि अमित शाह का दौरा हो, तो ये अगर पैटर्न यही रहता है तो इसके देखिए इसके 2 मायने हैं कि एक तो भाजपा जो है प्रियंका गांधी का अभी अस्तित्व उस तरह से नहीं स्वीकार रही कि उनके काउंटर के लिए खुद प्रधानमंत्री कुछ कहें, तो जो है वो भाजपा ये मान रही है कि इनसे जो है जो भी ये बातें कहेंगी उनका जो पलटवार करने के लिए अमित शाह अपने आप में पर्याप्त हैं, सक्षम हैं और काफ़ी हैं। तो जो भी इनके हमने पिछली बार भी देखा कि जब दोनों जगह दौरे हुए तो लगातार भाजपा की तरफ से तुरंत बयान जो है सामने आया, जो है शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष जो है वी डी शर्मा इनके बयान सामने आए। अब अगर ये दोबारा से अगर होता है जबलपुर में हो जाते हैं तो माना जा सकता है कि जो प्रियंका गांधी वहाँ पर जो वादों का जिक्र करके गई हैं जो बातें कह के गई हैं उनका काउंटर देखने को मिलेगा। ग्वालियर में जब ये जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पर मंच पर आपको जाहिर सी बात है कि भाजपा के नंबर 2 के कद के नेता हैं तो सारे नेता आपको वहाँ पर ग्वालियर में नज़र आ सकते हैं, लेकिन दिलचस्प इसलिए कि नरेंद्र सिंह तोमर उसी रीजन से आते हैं, चंबल रीजन है, दूसरा जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी रीजन से हैं, तो ऐसे में क्या है कि और उस बेल्ट में 2018 में जो है भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, फिर जब उपचुनाव हुए तब चंबल बेल्ट में जो है भाजपा का जो है प्रदर्शन में सुधार हुआ, तो उस लिहाज से ग्वालियर का जो दौरा होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक जो है अभी कल जहाँ थे वो मालवा निमाड़ का इलाका हो गया, फिर जो प्रधानमंत्री भी ओंकारेश्वर में जाएंगे वही आसपास का इलाका है, इसके अलावा जबलपुर में जाएंगे तो महाकौशल बेल्ट है और अगर ग्वालियर जाते हैं तो चंबल बेल्ट है, तो इस तरह से जो है वो प्रदेश के बड़े हिस्सों को जो है ये भाजपा के दोनों नेता जो है कवर करते नजर आएंगे। दिलचस्प तो ये भी होगा कि जब ग्वालियर का मन सजेगा और अगर ये कार्यक्रम कन्फर्म होता है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी की उस लाइन का जवाब देते हैं कि यहाँ मेरे पास कहने को ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में काफ़ी कुछ है लेकिन मैं उस पर कहूँगी नहीं, मैं 10 मिनट तक बोल सकती हूँ बिल्कुल, तो क्या उस 10 मिनट का प्रयोग ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे या अमित शाह करेंगे या भाजपा की ओर से कोई और करेगा कि आपने तो अपने 10 मिनट का प्रयोग नहीं किया हम इसको कैसे करते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से हमने उस बातचीत की शुरुआत की थी काफ़ी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है और बात खत्म होते होते जो एक बात समझ आई कि भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं वो पैचेस में बड़े बड़े हिस्सों में मध्य प्रदेश को पूरे तरीके से चुनावों से पहले ही या उस चुनावों की घोषणा से पहले ही एक बार कवर कर लेना चाहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि हर बड़ा जो क्षेत्र है वो कवर हो जाए, हर बड़े क्षेत्र के जो जननायक हैं उनसे जुड़े कार्यक्रम कवर हो जाएं ताकि जो लोग हैं जिनकी आस्था उनसे जुड़ी होती है उनको प्रभावित किया जा सके। सरकारी कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को रिझाने की कोशिश कर ही रहे हैं और सबसे बड़े काउंटर के तौर पर जो प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, क्या अमित शाह उनके किसी वादे का भाषण का काउंटर करेंगे नहीं करेंगे? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जो जवाब है वो हमने देख लिया। आपको क्या लगता है इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है?
आपको ही अपनी सरकार चुननी है, कमेंट बॉक्स पर भी आप उसकी एक झलक दिखा सकते हैं अपनी तरफ से, अपने सुझाव, अपना मत, अपने बात कहकर। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का मन, अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।